नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल से आपको जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जो दिखाई दे रहा है लाल बटन, उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके सामने वाली बेल पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियो को देखने के लिए उस आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैथ का है द्विघात समीकरण। क्या रहेगा बच्चों? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण होती क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, क्या है तो इसका व्यापक रूप पहले देखेंगे, हमें व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब है दिखने में ये कैसी है। ठीक है, तो दिखने में कैसी है, इस प्रकार की है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर में क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि कोई भी समीकरण उसके बराबर में हमेशा जीरो होगा। अगर जीरो बराबर में नहीं, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है ना कि समीकरण। बराबर में जीरो हो गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए बी और सी, और क्या दिखाई दे रहा है, एक्स। एक्स की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, कितनी है, दो। ठीक है, इस कारण इसे क्या कहेंगे हमें, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें चर और अचर, चर कौन कौन से होते हैं, चर क्या होता है, ऐसे मान, ऐसे संख्या जिसका मान बदलता रहता हो। जैसे हम इसमें चर क्या है, एक्स है, क्या रहेगा, एक्स, और अचर क्या है, अचर रहेगा ए बी और सी, ए बी और सी। ए क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर के गुणा में दिखाई दे रहा है ना, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, और बी क्या रहेगा, बी होगा फिर ये किसका गुणा है, x का, तो b क्या हो जाएगा, x का गुणा, b होगा x का गुणा, और c के गुणा में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब c क्या है, स्वतंत्र। ठीक है, इसके कोई भी गुणा में नहीं, इसलिए c क्या होगा, स्वतंत्र यानी कांस्टेंट, क्या रहेगा, स्वतंत्र यानी कांस्टेंट। तो द्विघात समीकरण क्या है, इसका व्यापक रूप क्या रहेगा, ax2 bx c बराबर 0। यहां पे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि क्या कि यहां पे a का मान है वो क्या नहीं हो सकता, जीरो, क्या नहीं हो सकता, जीरो। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, इस प्रकार की आपको कोई भी समीकरण मिले तो क्या है, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें हल करने की विधियां, हल करने की विधियां किसको, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इनको हल करने की कितनी विधियां है, तीन, कितनी है, तीन। पहली है गुणनखंड विधि, कौन सी है, गुणनखंड विधि। दूसरी है श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि, इसको द्विघात विधि भी कहते हैं, द्विघात विधि। और तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम केवल किसका अध्ययन करेंगे, श्रीधर आचार्य विधि, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं तो मैक्सिमम वो प्रश्न क्या है, इसी विधि से ही आसान रहते हैं करने के लिए। ठीक है, ये विधि क्या है, शॉर्ट और अच्छी है, इससे जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि जो कंपटीशन एग्जाम है, आरबीएससी है, नीट है वगैरह वगैरह, उसमें क्या है, द्विघात समीकरण है, उसमें से प्रश्न पक्का आता है, एक या दो। पीछे के पेपर एनालाइज किए मैंने, इसमें से क्या है, दो या तीन की एवरेज पड़ रही है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या है, इसमें से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले करेंगे हमें द्विघात विधि या श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है बच्चों, पहली विधि कौन सी रहेगी, श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, इस विधि से हम क्या करेंगे, चर मान किसका निकालना है, हमें x का, किसका, x का यानी चर का।
क्योंकि चर बदलता रहता है यानी x के मान बदलते रहेंगे, इसलिए मान किसका निकालेंगे, x यानी चर का। ठीक है, तो द्विघात के समीकरण को किससे हल करेंगे, पहले श्रीधर आचार्य की विधि से। तो इसके लिए हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या लिखा हमने, ax के प्लस bx प्लस c बराबर है जीरो। ठीक है, क्या लिखा, ax के प्लस bx प्लस c बराबर है जीरो। यहाँ पे a b और c क्या है, एचर है। ठीक है, इनके मान निश्चित होंगे, क्वेश्चन में समीकरण में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे देखोगे, a का मान क्या है, b का क्या है और c का क्या है। तो जैसे मान लो, उदाहरण के लिए समीकरण ले लो, जैसे 5x के प्लस 4x प्लस c बराबर है जीरो, सॉरी इसकी जगह ले लो जैसे 3 ले लो। ठीक है, तो 5x के प्लस 4x प्लस 3, इन दोनों की तुलना करो, तो ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x है, ये भी x है, यहाँ पे c है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखो, x के छोड़ दो, क्या बचा, a और 5, यानी a का मान कितना है बच्चों, 5, कितना है 5, और b का कितना है 4, और c का कितना है 3। तो a b और c के मान हमें इस प्रकार से तुलना करते हुए देख लेंगे। ठीक है, तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो द्विघात समीकरण। इसको हल करने की कौन सी विधि करनी है हमें, श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र रहेगा, अच्छी तरह से याद कर लेना, क्या रहेगा कि इस मान किसका निकालना है हमें, x का, क्योंकि चर क्या है, x है, मान निकालना है हमें x का। तो क्या लेंगे, x बराबर, ठीक है, इसके लिए सूत्र है x बराबर माइनस बी, ठीक है, और प्लस माइनस एंड रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बटे में क्या रहेगा, इसके बटे में रहेगा 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, ये सूत्र है श्रीधर आचार्य विधि से कोई भी द्विघात समीकरण को हल करने का। ठीक है, इसमें देखो ये प्लस और माइनस दोनों एक साथ है, घबराना नहीं, क्यों है एक साथ है, क्योंकि x की घात कितनी है यहाँ पे, 2 है, कितनी है x की घात है, 2, तो x के मान भी कितने प्राप्त होंगे, 2। ठीक है, घात 2 है तो मान भी 2 होंगे, मान 2 कैसे आएंगे इस सूत्र से, एक बार तो हम प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेते हुए किसके मान निकाल लेंगे, x के 2 मान। ठीक है, ये रहेगा इसके लिए सूत्र। ठीक है, अब x के मान आएंगे। ठीक है, x के मान, x के मान को क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। ठीक है, मूल यानी रूट्स। ठीक है, मूल यानी रूट्स। ठीक है, मूल कहते हैं, कितने मूल आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे, वो मूल क्या होंगे, तीन तरह के, दो तरह के हो सकते हैं, या तो वास्तविक और या काल्पनिक। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति, तो हम मूलों की प्रकृति यानी मूल किस तरह के है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूल क्या कितने आएंगे, 2, उनकी प्रकृति कैसी होगी, जैसे अगर कोई संख्या प्लस की या जीरो की है तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अगर माइनस में, अगर रूट में कोई भी संख्या प्लस की है तो वो तो होगी रियल, क्या होगी, रियल यानी वास्तविक संख्या, क्या होगी, वास्तविक। अगर रूट में माइनस की संख्या हो तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। तो ये मूल है वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, इस अनरूट के मान पर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को, और यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको क्या बोल सकते हैं, हमें कैपिटल डी भी बोल सकते हैं, क्या, कैपिटल डी यानी बड़ा डी भी। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या यूज करेंगे, डी। ठीक है, तो नंबर एक क्या है, अगर डी का मान, ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान जीरो से बड़ा या बराबर है, ठीक है, पहले बड़े के लिए देख लो, जीरो से बड़ा है, ठीक है, डी का मान जीरो से बड़े का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा यानी किसका है, प्लस का है, किसका है, प्लस का है, प्लस का है, इसका मतलब कौन सी संख्या है, वो वास्तविक, यानी मूल क्या रहेंगे, वास्तविक, यानी अगर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी बड़ा है जीरो से तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, तो मूल वास्तविक यानी रियल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, रियल। ठीक है, नंबर दो, नंबर दो क्या है, यदि
डी का मान जीरो से छोटा है, डी है यानी बी स्क्वायर माइनस चार एस, ये इसका मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब क्या है, अनरूट में माइनस का, अनरूट में माइनस है इसका मतलब वो क्या है, काल्पनिक, क्या है, काल्पनिक। तो मूल क्या होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। और नंबर तीन, नंबर तीन क्या है, बड़ा आ गया छोटा आ गया क्या बचा, बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि d का मान जीरो है यानी बी स्क्वायर माइनस चार एसी बराबर क्या है, जीरो, अनरूट में भी जीरो, अनरूट में जीरो, इसका मान क्या होता है, जीरो, जीरो है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे, तो क्या होंगे, तो मूल वास्तविक तथा, तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक का मतलब समझ गए, ठीक है, माइनस का नहीं होगा रूट में, और बराबर का मतलब क्या है, जो x के दो मान आएंगे, x के कितने मान आते हैं, दो, वो दोनों क्या होंगे, समान, क्या होंगे, समान यानी बराबर होंगे, जैसे पांच आ गया तो दूसरा भी कितना आएगा, पांच ही आएगा, ठीक है। अब हम इस विधि से दो तीन प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, तो द्विघात समीकरण के हम करेंगे थे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी विधि के एग्जाम्पल कर रहे हैं, श्रीधर आचार्य विधि, कौन सी के, श्रीधर आचार्य विधि के, ठीक है। तो पहला उदाहरण है, दो एक्स के, दो एक्स के माइनस एक्स प्लस छ बराबर जीरो, ठीक है, दो एक्स के माइनस एक्स माइनस छ क्या रहेगा, माइनस छ बराबर जीरो, इसमें करना क्या है, हल करने का मतलब क्या है, हमें x के मान निकालने हैं, किसके मान है, x के, ठीक है, कितने मान आएंगे x के, दो, कितने आएंगे, दो। तो x के मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले दी हुई बात श्रीधर आचार्य सूत्र पता होना चाहिए, तो वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अनुरूप बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी बटे पूरे के बटे में दो ए, पता है आपको ए बी सी क्या है, एक्स के का गुणा क्या है, ये तो बी क्या है, एक्स का गुणा, और सी क्या है, अचर पद, ठीक है। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, हमें पहले ही बताया, इसकी तुलना करेंगे हम ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ताकि हमें पता लग जाए ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, और सी का मान क्या है। तो तुलना करेंगे तो यहाँ ए क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ ए बराबर है दो, ठीक है, तुलना की एक्स की स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से की, तो इसके गुणा में क्या है, दो, ठीक है। वैसे भी बताया ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणा में है वो किसका मान है, ए का, तो ए का मान कितना है, दो, बी का कितना है, जो एक्स के गुणा में है। अब देखने के लिए तो आप कह सकते हो कुछ भी नहीं है गुणा में, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा एक बार ध्यान रखना, कोई भी संख्या है उसके गुणा में, कोई भी संख्या है उसके गुणा में हमेशा क्या रहता है, एक रहता है। तो यहाँ पे केवल x नहीं है, इसके गुणा में क्या है, एक है, क्या है, एक है, एक है, इसका मतलब b का मान क्या आएगा, देखो प्लस से तुलना कर लेना, प्लस से तुलना करें, इसका मतलब क्या, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये मान किसका होता है, माइनस का, कितना, एक, डी का मान कितना हो गया, माइनस का एक, और सी का कितना है, ये भी प्लस से तुलना करें माइनस की, तो माइनस का और छ, तो ए का मान दो, बी का मान माइनस एक, और सी का मान माइनस छ है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, द्विघात सूत्र काम में लेंगे, यानी इसके लिए क्या रहेगा, एक्स बराबर माइनस बी, ये सूत्र सभी को दिखाई दे रहा है, माइनस बी, माइनस क्या है, सूत्र में है या नहीं है, है ना, माइनस, और बी का मान भी क्या है, माइनस में है, तो ये भी मान माइनस में, इसलिए इसको क्या लिखते हो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ताकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर, और माइनस चार ए, ए का मान कितना है, दो, सी का मान कितना है, माइनस का छ, ठीक है, बटे में दो गुणा में ए का मान भी कितना है, दो है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको बताया था माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का, तो प्लस का एक, और प्लस और माइनस अनरूट एक, माइनस एक का स्क्वायर यानी एक, और ये देखो माइनस का है, ये भी माइनस का है, कर क्या रहे हैं हमें,
मल्टीपल यानी गुणा कर रहे हैं, तो अगर माइनस का माइनस की संख्या से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस चार दुआ आठ, आठ आठ को छह से मल्टीपल करो कितना आएगा, आठ छके अड़तालीस, ठीक है, बटे में दो दुआ चार, ठीक है। अब इसको ऐड करो, एक प्लस माइनस ये कितना देगा, अड़तालीस और एक उनचास, ठीक है, अनरूट में कितना हो गया उनचास, और आप जानते हैं उनचास का वर्गमूल, अनरूट का मतलब वर्गमूल, उनचास का वर्गमूल क्या हो जाएगा सात, बटे में कितना है चार, ठीक है। अब ये काम नहीं आएगा, अब क्या लेंगे, जब एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, जब निशान निशान यानी साइन प्लस का हो, ठीक है, जब साइन प्लस का हो तो यानी एक्स बराबर क्या देगा, जब साइन प्लस का है तो एक्स बराबर आएगा ए प्लस सात बटे चार, यानी आठ बटे चार, यानी दो, ठीक है। एक्स के मान कितने आने चाहिए, दो आएंगे, एक मान क्या गया दो, दूसरा मान किससे आएगा, निशान बदलने से, निशान क्या बदलने का मतलब है, निशान है माइनस का लेने पर, ठीक है, माइनस का लोगे तो क्या आएगा एक्स बराबर, केवल कहां पे लेना माइनस, ये देखो प्लस और माइनस, प्लस का ले लिया तो माइनस को छोड़ दिया, अब की बार क्या देंगे माइनस, किसको छोड़ देंगे प्लस को, तो एक माइनस सात बटे चार, यानी माइनस छह बटे चार, यानी माइनस तीन बटे दो, तो ये दो किसके मान आ गए, एक्स के मान आ गए, किसके मान है एक्स के। ये प्रश्न सीबीएसई 2016 में पूछा गया है दसवीं क्लास में, ठीक है। अगला है हमारे पास प्रश्न है, इसी के इसी इससे अलग है थोड़ा, जो कंपटीशन एग्जामों में खास करे अब की बार दोबारा उसी प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे है के किस मान के लिए, के यानी के का मान निकालना है, प्रमेय समीकरण क्या दिया है, के किस मान के लिए दो एक्स के, दो एक्स के माइनस के एक्स माइनस के एक्स प्लस से ए माइनस के एक्स प्लस से के माइनस के एक्स प्लस के बराबर जीरो के लिए के का के किस मान के लिए, इस ये उदाहरण हमारे पास है, इसमें के का मान निकालना है, ठीक है, के का मान निकालना है जबकि इसमें मूल क्या है वास्तविक तथा भिन्न है, इसका मतलब डी का मान क्या है जीरो से बड़ा है, क्या है जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो हम वास्तविक तथा भिन्न है इसके इसके लिए क्या आएगा, क्योंकि वास्तविक तथा भिन्न की शर्त क्या है हमारे पास, डी का मान जीरो से बड़ा है, डी को हमने क्या बोला बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बड़ा है जीरो के, क्या है जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या है बी का मान क्या है हमारे पास, इसमें तुलना करो डायरेक्टली माइनस ए के, माइनस के का स्क्वायर माइनस चार, ए का मान क्या है दो है, सी का क्या है के है, बराबर है इससे बड़ा कितना रहेगा जीरो के, ठीक है, तो माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का के, ठीक है। ये देखो माइनस को क्या करेंगे चार दुनी आठ, आठ को के से गुणा किया तो माइनस का आठ है के बड़ा है जीरो से, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है के आ रहा है ना दोनों में से, के कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा के, यहाँ पे आठ, के माइनस आठ बड़ा है जीरो से, इसमें इसको जब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, यानी एक बार तो के को जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा के का मान एक तो जीरो से बढ़ाएगा और दूसरा क्या आएगा के माइनस आठ, ठीक है, के माइनस आठ बड़ा है जीरो के, यानी के बड़ा है आर से, इसके के मान क्या आगे जीरो और आर, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही रहेगा, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जैसे आरबीएसई 2013 में इस द्विघात समीकरण का बहुत सरल प्रश्न आया था, वो क्या था कि ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां जहां ए बराबर नहीं है जीरो, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण, इसके लिए बताना था, यानी क्या आया था सीधी दरातारी है सूत्र आया था, केवल सीधी दरातारी है सूत्र, वो आपको पता है क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अनरूट ए बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे दो, तो चार ऑप्शन थे जिसमें से ये ऑप्शन है ये क्या रहेगा सही रहेगा, ठीक है। दोस्तों
आगे आप खुद कर सकते हो इसी प्रकार से, अगर आपके समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है, कोई शिकायत है तो हमारे कमेंट में लिख सकते हो आप इस। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। धन्यवाद।